आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करता हूँ कि एक हिंदू व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा एक हिंदू व्यक्ति। दोस्तों, विवाह एक संस्कार है, संविदा नहीं। धार्मिक रूप से चार प्रमुख तर्क दिए जा सकते हैं। प्रथम, विवाह का प्रमुख उद्देश्य उन प्रमुख तीन ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण, जिनके पवित्र बंधन में प्रत्येक हिंदू माना गया है, में से एक से मुक्ति पाना है, वह ऋण है। पितृ ऋण से अभिमुक्ति पुत्र उत्पन्न करने में होती है, जिसके लिए विवाह आवश्यक है। विवाह का दूसरा उद्देश्य तर्क से उद्धार पाने का है। दोस्तों, नर्क से उद्धार पाने का है। हिंदू मीमांसा के अनुसार पुत्र किसी पिता को नर्क से छुटकारा दिलाने वाला होता है। पुत्र श्राद्ध इत्यादि कर्मों के द्वारा पिता को नर्क से मुक्त कराता है, अतः पुत्र के लिए विवाह आवश्यक है। तीसरे, देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ करने अथवा कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए पत्नी आवश्यक है, जिसके लिए विवाह परम आवश्यक माना गया है। चौथे, वंश परंपरा चलाने के लिए पुत्र आवश्यक है एवं उसके लिए विवाह आवश्यक है। इस प्रकार इन तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने से यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदू विधि में विवाह एक आवश्यक संस्कार है। इसे मात्र शारीरिक वासना तुष्टि के साधन अथवा अन्य किसी प्रकार की संविदा के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्ति पाने का यह एक संस्कार है, जिसे विवाह के पश्चात ही एक पुत्र जो है पूरा कर सकता है। इसके लिए विवाह अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस YouTube वीडियो के माध्यम से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त पाने के लिए विवाह करना आवश्यक है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी प्रदान किया। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कानून का जानकार व्यक्ति बने। सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। मेरे चैनल में बने रहें और नई नई कानून की जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।